अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रूही रंग न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रूही रंग न्यूज़ और मैं हूँ सलवा हसनैन। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। डिप्टी ब्यूरो आबिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शरकिया सूद माफिया सरगर्म हाली चक्कों को पुर करके मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। मुतासरीन अहमदपुर प्रेस क्लब पहुँच गए। मोहसिन रजा वल तालिब हुसैन को मराई से करना DNB बाय 34 तहसील यजमान ज़िला बहावलपुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मुतासरा शख्स का कहना था कि मैं जिम्मेदारी करता हूँ बासर सूद माफिया के खिलाफ। IG पंजाब RPO बहावलपुर और DPO बहावलपुर को बासर सूद माफिया के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्तें भी दीं। मुतासरा शख्स मोहसिन रजा का कहना था कि मैंने एक गाड़ी वैगनार मुसम्मा मोहम्मद इरशाद रहमानी और मोहम्मद इरफाक रहमानी पिसरान न्याज अहमद उर्फ जग्गू रहमानी से मुख्तलिफ एक्सात और ड्यू की मद में खरीदी। एडवांस रकम मुबलिक 7 लाख रुपये मौके पर अदा किया और इस दौरान ड्यू और एक्सात भी अदा करता रहा।